वेलकम टू IFS। आज हम बात करेंगे श्रेया बासु रॉय से, जो कि वेस्ट बंगाल के आसनसोर से हैं और इन्होंने CSIR नेट जून 2024 125 रैंक से क्वालिफाई किया है। तो आपके साथ हैं आज श्रेया बासु रॉय। श्रेया बासु रॉय, आप अपने बारे में बताइए पहले थोड़ा सा, फिर अपन शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। सर, मेरा नाम है श्रेया बासु रॉय, मैं वेस्ट बंगाल का आसनसोल से हूँ। मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, लोकल स्कूल से। मैंने अपने BSc और MSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी हुई है। BSc में CGPA रहा है 8.63 और MSc में CGPA रहा है 7.68। ओके, तो आपकी MSc कब हुई है? MSc अभी इसी साल कंप्लीट हुई है, जून में। अभी मतलब जून में ही MSc और जून में ही आपका JRFP हो गया? जी सर। MSc के साथ में, क्या बात है, बहुत बताइए आपको। ओके, तो आपने BSc BHUC की थी? जी सर। तो BSc के टाइम तो लगभग कोरोना काल चल रहा था, है ना? तो फिर कॉलेज वगैरह जाना होता था या फिर घर पे ही थे, कैसे क्या रहा वो? नहीं, कॉलेज में पहले तो जब कोरोना आया था तब तो मतलब ऐसे हम लोगों को बोला गया था कि 7 दिन की छुट्टियां करके घर भेज दिया गया था। फिर 7 दिन की छुट्टी पूरा एक साल का हो गया। ओके, अच्छा हुआ ना, 7 दिन की छुट्टी बोल के घर भेज दिया, वरना फिर पूरा टाइम वहीं रहना पड़ता। ओके। तो आपकी स्कूलिंग कैसी रही? स्कूलिंग स्कूल के अंदर आपका क्या परसेंटेज था 12th के अंदर और 10th के अंदर? 12th के अंदर 89.6 और 10th के अंदर 89.14। ओके, तो जैसा कि आप सबने देखा है, सुना है कि 89 मेरे तो कभी 89 बना ही नहीं कभी आज तक। ठीक है, चलो कोई नहीं। आपका ये CSIR नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर पहले भी दे चुके हो? सेकंड था। इससे पहले आपने कौन सा एग्जाम दिया था, कब दिया था? पहले मैंने दिसंबर का नेट दिया था, टेस्ट दिया था, गेट दिया था, सभी थोड़े थोड़े नंबर से रुक गए। ओके, तो मतलब आपने पहले से प्रिपरेशन से रुक गया? कितने से रुका? 0.5। ओके, 0.5 से रुका। तो मतलब आप कहीं से तैयारी कर रहे थे पहले से या फिर कैसे आपके मतलब इतना अच्छा मार्क्स? पहले से ही तैयारी कर रही थी, मतलब तब मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। ओके, खुद से ही ट्राई कर रही थी कि देखते हैं खुद से करके कहां पे मैं स्टैंड करती हूं। ओके, तो मतलब खुद से तैयारी कर रहे थे कि मतलब आपके पास स्टडी मटेरियल वगैरह था या फिर कोई सोर्स, क्या सोर्स थे आपके पास? सोर्स मैं मोस्टली यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी, जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे और जो कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में आ जाते थे वो तो बुक से ही कर लेती थी और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करती थी, क्वेश्चन जुगाड़ती थी इधर उधर से, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करती थी। ओके, तो यूट्यूब चैनल में कौन से यूट्यूब चैनल आप प्रेफर करते थे? मैं प्रेफर करती थी IFS का ही मैं वीडियोस देखा करती थी क्योंकि मुझे समझ में आता था। ओके, अच्छी तरीके से मतलब उसमें डेवलप कंटेंट होता था तो मुझे वहां से समझ में आता था। ओके, YouTube वीडियो से भी आपको हेल्प मिल रही थी कुल मिला के? जी। ओके, फिर 0.5 से रह गया, तो फिर आपको मतलब मोटिवेशन कैसे मिला कि मैं मुझे है वो कोचिंग लेनी चाहिए या फिर? सर, मुझे जब मेरा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जेस्ट नहीं हुआ, गेट नहीं हुआ, फिर बात का भी एग्जाम दिया था, बात भी नहीं हुआ, वो भी थोड़े नंबर से ही नहीं हुई। ओके, तो मतलब सारे नंबर ऐसे 1-2.5 ऐसा ही करके रुक गया सारा। तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, तो फिर मतलब मुझे लगा कि नहीं, इस बार करना है। और घर से भी सपोर्ट मिला, खास करके मेरी मम्मी। अच्छा, मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। ओके, नहीं बेटा तू कर पाएगी, अभी तक हो गया है तो अब भी हो ही जाएगा। ओके, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करते, कर लो, बाकी लास्ट पड़ाव में आ गए हो, कर लो। फिर मैंने मतलब बहुत, अगर मैंने खुद से जब पढ़ा था तब अगर मैंने 8 घंटा पढ़ा था तो मैंने वो बढ़ा के बाद में 13-14 घंटा कर दिया था। ओके, ठीक है। ओके, तो आपने IFS ज्वाइन कब किया? मैंने IFS ज्वाइन किया था दिसंबर में ही। दिसंबर के अंदर ज्वाइन किया आपने IFS लाइव बैच? जी। ओके, लाइव बैच ज्वाइन किया आपने। और फिर आप मतलब लाइव क्लास प्रॉपर अटेंड करते थे या फिर कभी ऐसा होता था कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी या फिर बाद में देख लूंगी, ऐसा कुछ हुआ?
जी सर, लाइव क्लासेस मैं जब लाइव कोर्स ली थी तब तो लाइव क्लासेस अटेंड कर पाती थी, ठीक तब है। उतना कोई इश्यू नहीं था। लेकिन एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में जैसे डिजर्टेशन वगैरह होता है तो डिजर्टेशन के टाइम पे लाइव वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं था, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लिया करती थी और कोई ओके बैकलॉग नहीं रखती थी कि ओके ऐसा रिकॉर्डिंग है तो पढ़े रहना तो नहीं, मेन मेन एक दिन प्रॉब्लम यही का होती है कि जितना कई है स्टूडेंट उतना। ज्वाइन करते हैं, फिर फिर क्या क्या होता होता है है कि कि एक एक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैं मैं सोचता सोचता है है कल कल देख देखूंगा लूंगा और और वो वो कल कल कभी कभी आता आता नहीं नहीं है, है, क्योंकि क्योंकि कल कल वो वो इकट्ठी इकट्ठी और और हो जाती जाती है, है आज आज की की और और कल कल की। की। और और हमारा हमारा जो जो शेड्यूल शेड्यूल है है वो वो कभी कभी ऐसा ऐसा नहीं नहीं हुआ हुआ है है कि कि मतलब मतलब मिस मिस हो हो गया गया कि कि आज आज क्लास क्लास ले ले ली, ली, फिर फिर 2 दिन दो दिन क्लास क्लास नहीं नहीं हुई, हुई, एक एक बार बार शुरू शुरू हो हो गई गई तो तो फिर फिर क्लासेस क्लासेस चलती चलती रहती, रहती, कभी कभी ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता होता है है कि कि बीच बीच में में कोई कोई गैप गैप आ आ गया गया हो, हो, और और वो वो फिर फिर इकट्ठे इकट्ठे होने होने एक एक बार बार पांच सारे पांच इकट्ठी पांच हो जाती है। हाँ, हाँ, अगर पांच 5 घंटे 10 घंटे घंटे इकट्ठी हो इकट्ठी जाए, हो उसके जाए, बाद उसके तो बाद कभी तो पूरे कभी होता पूरे ही होता नहीं ही है नहीं वो है वो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। ओके, ओके, अब अब मैं मैं फिर फिर हमारा हमारा जो जो जैसे जैसे आपको आपको डीपीपी डीपीपी वगैरह वगैरह मिलती मिलती थी, थी, संडे संडे टेस्ट टेस्ट वगैरह, वगैरह, ये ये भी भी आपने आपने किए किए थे थे क्या? क्या? जी, मैंने सारे दे दिए थे। अभी सारे दिए थे। और और प्रैक्टिस के प्रैक्टिस लिए के लिए आपने आपने फिर फिर मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट वगैरह वगैरह दिए दिए थे। थे? जी, प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए हुए थे। ओके ओके आईसीएस की जो मॉक टेस्ट थी वो तो मेरे कोर्स के साथ जो थी वो तो थी ही, ठीक है ठीक है फिर आईसीएस ने बाद में एग्जाम से जस्ट पहले पहले बहुत सारी फ्री मॉक टेस्ट भी लाए थे तो हाँ हाँ वो भी हाँ दी थी। ओके फिर आईसीएस के अलावा भी मैंने क्या नाम है उसका, डी फिजिक्स का मॉक टेस्ट दिया था। ओके ऐसे मतलब एक एक मॉक टेस्ट मेरा खत्म होता जा रहा था और मुझे लगता था कि नहीं मुझे अभी और देना है करके, तो ओके 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 जहां से भी मुझे मिलता था क्वेश्चन हाँ। पेपर चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं पे भी मैं दे देती थी। और और आपने आपने पीवाई पीवाईक्यू क्यों वगैरह वगैरह किए किए थे? थे? जस्ट जस्ट के, के, डीएफआर डीएफआर के, के, सीएसआर सीएसआर नेट नेट के, के, मतलब सारे 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 पीवाईक्यू कुछ कर किए। लिए थे। बढ़िया बढ़िया। तो तो मुझे मुझे आप आप ये ये बताइए बताइए कि कि मतलब मतलब अगर अगर आप आप किसी किसी स्टूडेंट स्टूडेंट को को अगर अगर सलाह सलाह दोगे दोगे तो तो आप आप कैसे कैसे मतलब मतलब उनको उनको स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बताओगे बताओगे कि कि भाई भाई आप आप अगर अगर इस इस टाइप टाइप से से तैयारी तैयारी करोगे करोगे तो तो आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन इजीली इजीली हो हो जाएगा? जाएगा? ऐसे अगर सलाह देना चाहूंगी तो सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को तो स्ट्रॉन्गर बनाओ पहली ठीक है चीज, और दूसरी चीज जो वीक पॉइंट है जो आपको लगता है कि अगर मैं इस पे मेहनत करूंगी या करूंगा तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो उसके ऊपर सबसे पहले फोकस कीजिए। और जो आपका होता ही नहीं है, जैसे मेरा थर्मो स्टैटिस्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता है, थर्मो ओके अच्छा स्टैटिस्टिकल और एसएसपी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो वो तो ना मैंने छोड़ दिया था। अच्छा एसएसबी एस एस बी भी भी छोड़ छोड़ दिया दिया आपने। जी अच्छा, आपको जो आपको भी मतलब सबसे सबसे टफ टफ है वो है वो थर्मो थर्मो और और एसएसपी, एसएसपी लगता है ना? थर्मो और एसएसपी। ऐसा नहीं है कि टफ लगता है, हाँ समझ में आता है ओके लेकिन याद रखने में दिक्कत होती है। ओके 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 और और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सही था। इलेक्ट्रॉनिक्स सही इलेक्ट्रॉनिक्स था। और और मतलब मतलब इजीएस ईजीएस सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको आपको कौन 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 से से लगे लगे थे? थे? इजीएस इजीएस लगे थे एमएमपी, क्वांटम मैकेनिक्स, ओके ओके इलेक्ट्रॉनिक्स ओके ओके और क्लासिकल। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ठीक है। एग्जाम एग्जाम से से एक दिन एक दिन पहले का पहले का आपका आपका क्या क्या टाइम टाइम टेबल टेबल था था और और क्या क्या आपने आपने स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी अपनाई अपनाई कि कि भाई भाई मुझे मुझे कल कल ये ये करना करना है है इस इस टाइप टाइप से? से? एग्जाम से पहले दिन तो नर्वस थे? मतलब मैंने ऐसे सुबह से मेरा शेड्यूल रखा था कि हाँ शाम के आसपास मेरे रिवीजन कंप्लीट हो जाए, ओके फिर ओके मैंने रिवीजन कंप्लीट कर लिया। और जब मैं रेस्ट किया करती हूँ तब मैं बहुत सारी मतलब स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, वही ओके मेरा होता है रेस्ट करने का तरीका, अच्छा, ये तो भी मैं ये वैसे ही रेस्ट पढ़ना, करती हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़ना ही पढ़ना ही रेस्ट करना रेस्ट है। जी सर। ओके ओके और और एग्जाम एग्जाम वाले वाले दिन दिन कोई कोई टेंशन टेंशन वगैरह वगैरह थी थी इस इस टाइप टाइप से से, या एग्जाम फिर? वाले दिन सर बहुत टेंशन हो रही थी, अच्छा, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। ओके ओके मेरे घर और से एग्जाम बहुत दूर पड़ा था सेंटर, तो मतलब मैं मम्मी को बोलते बोलते जा रही थी कि मम्मी बहुत टेंशन हो रही है। वो एग्जाम एग्जाम के बहुत टाइम थोड़ा ज्यादा सा रहता रहता है, है, अपने थोड़ा को सा प्रेशर रहता है। रहता है। जी ओके जी तो तो अभी अभी आगे आगे आपका का क्या क्या विचार विचार है है? आपका? आगे मुझे अभी तो पीएचडी ही करना है, ठीक है और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग में मिल जाता है तो अच्छा है। क्वांटम कंप्यूटिंग है। कोई कोई आपने आपने इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट सर्च सर्च किए किए हैं? हैं? जी, आईएससी है, आईआईटी मद्रास भी है, और बीएचयू का तो है ही, मुझे पता है क्वांटम कंप्यूटिंग का अच्छा, ओके ओके और टीआईएफआर भी है, टीआईएफआर में भी क्वांटम कंप्यूटिंग का रिसर्च अच्छा होता है, ठीक है तो ठीक है वहाँ पे बहुत सारे पायनियर्स भी हैं, तो उनके अंडर अगर काम करने का मिल जाए तो अच्छा है। ओके
आपकी मेंटरशिप में आपकी आपकी जो जो मतलब ये सफलता सफलता है है इसमें इसमें सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा योगदान योगदान किसका किसका है? है? फैमिली फैमिली का? का फैमिली का तो है ही, वैसे माँ बाप का होता होता है, है, माता माता पिता पिता का। का। और और दूसरों दूसरों का का किसी किसी का का हो हो तो तो आप आप बता बता सकते सकते हो। हो। दूसरों का जैसे सबसे पहले तो मेरी फैमिली है और दूसरा आप लोग हैं सर, बिल्कुल। मतलब जितने भी मेरे डाउट्स हुए हैं मैंने जब भी पूछा है आंसर मिल गया है मुझे तुरंत, चाहे कोई भी किया हो। अगर ग्रुप में स्टूडेंट्स वगैरह भी आंसर कर देते थे तो फिर भी मुझे तुरंत आंसर मिल जाया करता था। मुझे ऐसा नहीं है कि एक डाउट को लेके मैं 50 दिन पढ़ी रही, ऐसा नहीं था। और मतलब मेरा एक नंबर तो फैमिली है, दूसरा आप लोग है, और तीसरे मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, वो भी बहुत हेल्प किया करते थे मेरी। बहुत अच्छे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो तो अब अब आपका नेक्स्ट नेक्स्ट गेट गेट वगैरह वगैरह देने देने का का टारगेट टारगेट है? है दिसंबर वाला एग्जाम, गेट का फॉर्म भरा है, दिसंबर दिसंबर वाला वाला भरने का जी, विचार है? दिसंबर वाला एग्जाम होने दिसंबर वाला वाला सोच? मे बी। ओके ओके ओके। चलिए, चलिए, तो तो ये ये हमारे हमारे साथ साथ थे थे श्रेया श्रेया बासु बासुरॉय रॉय, और और सी सी एस एस आर आर नेट नेट के के अंदर अंदर वन 125 ट्वेंटी की की रैंक रैंक थी। थी। और और मिलते मिलते हैं हैं अपन अपन नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरव्यू इंटरव्यू के के साथ। साथ। और और आपको आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा बधाई, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन आईएफएस आईएफएस की की तरफ तरफ से, से हम हम सब सब की की तरफ तरफ से। से। ओके थैंक यू सर। ओके।